रायपुर के डीकेएस के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर पुनीत गुप्ता अपने खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस कैंसिल करने की मांग को लेकर गोल बाजार थाना गुरुवार को पहुंचे। गुप्ता अपने वकील अमित बैनर्जी के साथ आए थे। इससे पहले बुधवार को भी गोल बाजार थाने में लुकआउट नोटिस को हटाने लिखित आवेदन इनके द्वारा दिया गया था। हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत का हवाला देकर रेड कॉर्नर नोटिस को खारिज करने की मांग की गई थी। पुनीत गुप्ता के वकील अमित बैनर्जी ने कहा कि उनकी अग्रिम जमानत हो गई है, उनके खिलाफ जो अपराध दर्ज है वो दोनों अंतागढ़ और डीकेएस मामले में जमानत हो गई है और बयान भी हो चुका है। साथ ही यह भी कहा कि हमारी देश छोड़कर भागने की कोई संभावना नहीं है। हमारे पास जो लीगल रेमेडी है उसको अवेल कर रहे हैं, वी विल डू अकॉर्डिंगली। हमको ऑलरेडी हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बिल दे दी है, उसमें ऐसा कोई शर्त नहीं है कि हम कहीं बाहर मूवमेंट नहीं कर सकते। डीकेएस अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर पुनीत गुप्ता 6 मई के बाद गुरुवार को गोलबाजार थाने बयान देने पहुंचे थे। डॉक्टर गुप्ता मीडिया से कहा कि इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जमानत हो चुकी है, अब जो भी कार्रवाई होगी वह न्यायालय द्वारा होगी और मैं पुलिस के साथ हूँ। मेरे को फिर से बुलाया गया था और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कमेटी के सामने अपना पक्ष रख सकूँ और जब वो बुलाएंगे आगे तो मैं उनको सहयोग देने के लिए तैयार। थाने में पुलिस को डॉक्टर पुनीत ने कोई बयान नहीं दिया बल्कि दस्तावेज देखने की बात कही। वहीं पुलिस रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से इंकार कर रही है। देश टीवी के लिए ऋचा सहाय की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।